हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों में, इन पहाड़ों के सुहाने मौसम के बीच। तो आज है बड़ी दिवाली और अभी घर में चल लिया सफाई सफाई, मुझे काम मिला है फूल लेने का। और यहाँ पे अभी कोई लगे हैं चौक साफ करने पे, कोई वहाँ पे पोज दे के खड़ा है और कोई शर्म के मारे अंदर घुस गए, इनको इग्नोर किया जाए। तो अभी फूल लेने के लिए जाना होगा, पहले तो एक माला यहाँ के लिए, एक मंदिर के लिए, एक अपनी छोटी सी बच्ची के लिए। तो अभी चलते हैं हम फूल लेने। ये रहा फूलों का बगीचा, काफ़ी सुंदर फूल हो रखे हैं यहाँ पे। तो एक ही किस्म के फूल हैं, काफ़ी ज़्यादा फूल हो रखे। तो यहाँ पे हमारे देवता भी रहते हैं, तो आप फूल देख सकते हैं कितने सारे फूल हैं यहाँ पे। हम फूल लेके आ गए हैं घर में और अभी घर में जो खुली होती है उस पर लगाया जा रहा है भीड़ बोलते हैं इन्हें। जो ये आपको सफ़ेद लाल और पीला टीका दिख रहा है इसको भीड़ कहते हैं। तो पहले इसे जो गोमूत होता है उससे, मैंने कि गौत बोलते हैं, तो उससे पहले साफ किया जाएगा और फिर भीड़ लगाया जाएगा। मैंने कि ये जो तीन कलर के हाथ उन हटो ना, यहाँ ये तीन कलर हैं जो लाल पीला और सफ़ेद, तो वो लगाया जाएगा इन पे। ये रे हमारे खोली का गणेशा। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अभी करीबन की टाइम हो रहा है 9:30 बज गए हैं। और जो मैंने माला बनाई थी वो ये रही। तो ये मंदिर है हमारा, तो यहाँ पे मैंने माला लगा रखी थी और एक दो हफ्ते बाद इस पर कलर भी हो जाएगा। क्यों घर में पूजा करने के बाद अब जा रहे हैं हम गाय भैंसों को ये पिंडा खिलाने। तो उन्होंने पिंडा का परात मेरे पास दे दिया और इसे एक हाथ से पकड़ हम उसके द्वारा। अभी हम चलते हैं गौशाला में और बैलों को, गाय को, भैंस को, उनको पिंडा देंगे। बकरियों को तो हम बाद में देंगे, जब उन्हें खोलेंगे उसी समय हम पिंडा देंगे और उनको उसे जंगल ले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद वो अंदर नहीं जाते, भाग जाते, इसलिए उनको बाद में देंगे। और अभी हम देंगे बैलों को, गाय को। फिलहाल तो ये रहा पिंडा और चले गए आगे, मैं हूँ सबसे पीछे से, मेरे को छोड़ उन्होंने। अरे गोरी भी तेरे रहा फिर ये आओ आ ले ये मैं माला दो आ बोलो आ लेके आ बोल दो दो सिसले आ दो आ ये ले बैठ बैठ ले 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 दो। गाय भैंसों को पिंडा हमने खिला दिया है और अभी पापा लोग भैंस को नहला रहे हैं। तो पिंडा उन्होंने जल्दी खा दिया था पर टाइम भी नहीं लगा। अभी तो फिलहाल चल रहा है गौशाला में ऐसा काम, कोई पानी भर के ले जा रहा, तो कोई वहाँ पे खड़ा है, कोई फ़ोन पे छेड़ा, तो कोई नहला रहा है और कोई वो थोड़ी को नहला रहा। और यहाँ इन्होंने लगा रखा है एक अकड़ाट, रो रहे बार बार। और ये देखो हमारा धुपियों जल गया, यहाँ पर खड़े हैं ये। और यहाँ पर चल रहा है इनका बहुत बड़ा कौन क्या, तो लगे हैं वो एक दूसरे को जो भी बोलते हैं। अरे भैंस को नहलाने के लिए स्पेशल ब्रश घास का, जो कि उन्होंने पता नहीं कौन से देश से मंगाया है। और अब खाना खा के मैं जा रहा हूँ बकरियों के साथ, पापा जा रहे हैं आज बैलों के साथ, क्योंकि पापा ने कोटे जाना है, काम है पापा का, काम क्या है, सामान सामान लाना है, जल्दी चले जाएंगे और बाद में शायद मैं भी जाऊँगा। तभी हम जा रहे हैं बकरियों को पिंडा देने, ये बकरियों का पिंडा है। तभी चलते हैं हम गौशाला की ओर। बकरियों को हमने पिंडा खिला दिया है और वीडियो नहीं बना पाया मैं, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही जल्दी जल्दी में बन रहा है, तो ये ब्लॉग मैं यहीं तक बनाऊंगा और फिर आज का ब्लॉग दिन से फिर स्टार्ट करेंगे कि रात को क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।